आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल जलफ्राइजी, जो कि बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल की टेस्ट आएगी इसमें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं, ये जानने से कि इसे बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चाहिए मटर, बीन्स कटे हुए, गाजर लंबी लंबी कटी हुई, शिमला मिर्ची बड़े पीसेस में कटे हुए, प्याज दो तरीके से कटे हुए, एक लंबे लंबे और एक बड़े पीसेस में कटे हुए, और चाहिए टमाटर। टमाटर दो टमाटर की हमने प्यूरी बनाई हुई है, एक टमाटर को बड़े पीसेस में काटा हुआ है, और छोटे चेरी टमाटर जो सिर्फ हमें डेकोरेशन के लिए चाहिए। और चाहिए एक टीस्पून जीरा है, दालचीनी के छोटे पीसेस हैं, दो लौंग है, और एक छोटी इलायची है, अदरक लहसुन के 4-5 कलियाँ, और एक मिर्ची, 10 ग्राम काजू और 50 ग्राम पनीर। वेजिटेबल्स को प्रेशर कुक करेंगे। हमने प्रेशर कुकर में डाले हुए हैं बीन्स, कॉर्न डाल रहे हैं, गाजर और मटर। इनको हम एक ही विसल आने तक प्रेशर कुक करेंगे, एक ही विसल, ताकि ये पूरा कुक नहीं हो, इसकी बाकी की जो पकना है वो ग्रेवी के साथ पकेगा, इसलिए इसको एक सीटी लगाने के लिए हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब हम बनाएंगे जलफ्राइजी की ग्रेवी। इसके लिए हमने एक कढ़ाई रखी हुई है, उसमें हमने करीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और अब जो हमने पनीर काटा हुआ था, पनीर के जो स्क्वायर पीसेस थे, उसे हम तल लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। पनीर हमारा भुन चुका है, इसलिए हम इसे निकाल के अब अलग से रख देंगे, और इसी ऑयल में हमने जो लंबे काटे हुए प्याज थे वो प्याज भुनेंगे जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाते हैं। तो हम डाल रहे हैं ये लंबे काटे हुए प्याज। हमारे प्याज पक चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं, इसे निकाल के हम अभी मिक्सी में डाल रहे हैं। प्याज के साथ हम ले रहे हैं अदरक लहसुन मिर्ची टमाटर की प्यूरी, और हम इसे अभी मैश करेंगे मिक्सी में। और हम मैश करेंगे काजू जीरा इलायची लौंग और दालचीनी जो हमने ली हुई थी, और अब ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। हमने कढ़ाई रखी हुई है हीट करने के लिए, इसमें हम काजू और ड्राई स्पाइसेस का जो मिक्सचर हमने मैश किया हुआ था, ग्राइंड किया हुआ था, उसे हम डाल रहे हैं कढ़ाई में। इसे बहुत हल्के से भून लेंगे, बस आधा मिनट या 30-40 सेकंड, और इसमें हम प्याज और टमाटर की जो हमने ग्रेवी मैश की है वो डाल देंगे। हल्का सा पानी डाल रहे हैं, 2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। हम डाल रहे हैं इसमें नमक 1 टीस्पून, आपके स्वाद के अनुसार डालिएगा, 1 टीस्पून मिर्ची, हल्दी, सूखा हरा सूखा धनिया, धनिया पाउडर, इसे हल्की से घुमा के अब हम डाल रहे हैं किचन किंग मसाला करीबन 1 टीस्पून, और कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं इसे। और अब इसे तब तक भुनिए जब तक कि आपको ऑयल सेपरेट ना होने लगे, ऊपर से तलते हुए ना दिखने लगे। जैसे ऑयल या तेल दिखने लगता है, सेपरेट आउट हो रहा है, तो आप इसमें बड़े कटे हुए जो हमने प्याज और शिमला मिर्ची की थी और टमाटर डाल दीजिए। इसे बस अभी पकने के लिए रखना है, करीबन 5 मिनट तक पकाइए इसे, जब तक ये हाफ थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें हम अभी बॉईल किए हुए जो हमने वेजिटेबल्स बॉईल किए थे प्रेशर कुकर में वो हम डालेंगे। इसे बस मिक्स कर दीजिए और करीबन 7 से 9 मिनट तक पकाइए लिड ढक्कन ऊपर से डाल के। ग्रेवी में पकेंगे, करीबन 10 मिनट हो चुके हैं,
देखें हमारे मटर कॉर्न सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। ये सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें हम अभी पनीर डाल रहे हैं। पनीर एंड में डालने चाहिए, बस इसे और 2 मिनट पकने के लिए रख देंगे और हमारा वेजिटेबल जलफ्राइजी इज रेडी टू बी सर्व्ड। इसे हम चेरी टोमेटोज के साथ गार्निश कर रहे हैं और कोरिएंडर लीव्स के साथ। आप चाहें तो इसे अदरक के लंबे लंबे जूलियन अदरक जिसे कहते हैं, जूलियन जिंजर के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा आपका फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।